नमस्कार दोस्तों, पोदार एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथी में रवि सहित आज हम बात करेंगे एचडीपी फर्स्ट टॉपिक चल रहा था अपना, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी, परिचय में पशु शरीर रचना विज्ञान और टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन आंत, किसके बारे में पढ़ेंगे आंत। तो आंत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इंटेस्टाइन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल मतलब छोटी और लार्ज मतलब बड़ी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है लगभग 40 मीटर, कितनी होती है 40 मीटर, और लार्ज की होती है 11 मीटर। अब लंबाई 40 होती है, फिर इसको छोटा बोला जाता है क्योंकि इसका जो व्यास होता है क्या होता है, व्यास व्यास होता है इसका, जो क्या होता है कम होता है, और क्योंकि बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, ठीक है। तो इसको दो भागों, स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, और फिर लार्ज को भी इसी तरह तीन में डिवाइडेड किया गया है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। कितने भागों में विभाजित किया गया है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। तो ऐसे ही छोटी आंत और बड़ी आंत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब इसमें भी जो 40 मीटर होती है इसमें 1 मीटर होती है ड्यूडेनम, 38 मीटर होती है जिजेनम, 38 मीटर, और 1 मीटर होती है इलियम। कितनी होती है, 1 मीटर कौन सी होती है इलियम। अब ये 11 मीटर है तो इसमें 0.75 मीटर तो क्या होती है सीकम, 10 मीटर का कॉलम होता है और 0.25 मीटर का क्या होता है रेक्टम होता है, क्या होता है रेक्टम होता है, ठीक है। तो टोटल इसकी लंबाई 40 मीटर, तो छोटी आंत की है, बड़ी आंत की 11, 40 का छोटी आंत ड्यूडेनम 1 मीटर है, जिजेनम 11 और इलियम 1 मीटर का होता है। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम 0.75 मीटर होता है, कॉलम 10 मीटर का होता है और रेक्टम टोटली 0.25 मीटर का होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालना इंटेस्टाइन आंत, नलिका रूपी संरचना होती है, यह है एनिमल बॉडी, पशु शरीर से लगभग 20 गुना लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जिसे निम्न दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। दो भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत, कौन कौन सा है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पहला लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, क्या है
छोटी आग, तो लिखना यह है लगभग 40 मीटर और मीटर 1 मीटर में लगभग 2 से 3 मीटर होता है, तो लगभग 120 से 130 फीट है। यह है लगभग 40 मीटर है, 120 से 130 फीट लंबी नदी का रूपी संरचना होती है। कैसी होती है? नलिका रूपी संरचना होती है जो अमाशय से एक्टोफिक पार्ट, जो अमाशय के पोलरिक पार्ट से पोलरिक पार्ट से बड़ी आंख के शिकम भाग के मध्य उपस्थित रहती है, शिकम भाग के मध्य उपस्थित रहती है। कितना होता है? 4 से 6 सेंटीमीटर होता है, तथा इसे निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों से गए? तीन भाग। तीन भाग का कौन से होते हैं? डुडेनम, ईलियम। कितने होते हैं? डुडेनम, ड्यूजेनम और ईलियम। फर्स्ट लिखना डुडेनम, डुडेनम। तो डुडेनम लिखना क्या है? छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। कौन सा होता है? यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जो लगभग 4 से 6 फीट ब्रेक में 1 मीटर लंबी नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। क्या होता है? 4 से 6 फीट लंबी नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है जो सी आकृति की संरचना के रूप में दिखाई देता है, जो सी आकृति की, जो सी आकृति की संरचना के रूप में दिखाई देता है। यह एक नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है जो सी आकृति की संरचना के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यह आगे की ओर निकलकर यह बार पायलट से पोलरिक से अमाशय के पोलरिक भाग से आगे निकलकर लीवर के, लीवर, लीवर
घूमकर एस आकृति की संरचना बनाता है। कैसी बनाता है? एस आकृति की संरचना बनाता है जिसे एंसा सिग्मोइड कहते हैं, जिसे एंसा सिग्मोइड कहते हैं, एंसा सिग्मोइड कहते हैं तथा इसका शीर्ष भाग किसका? डुडेनम का शीर्ष भाग कुंडलिकाकार आकृति के रूप में उपस्थित रहता है। अब पहला भाग होता है मतलब फर्स्ट या अग्र सिरा होता है जो पोल्टी से आगे की ओर निकलकर लीवर की आगे के पीछे घूमता है और ऐसा करके की संरचना बनाता है, जबकि जो इसका शेष भाग मतलब पश्चिम भाग होता है जो किसके रूप में उपस्थित रहता है? कुंडलिकाकार आकृति के रूप में उपस्थित रहता है। दूसरा लिखना डुडेनम, डुडेनम हो गया। दूसरा लिखना जिजेनम। जिजेनम दूसरा कौन सा है? जिजेनम यह छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, द्वितीय भाग। द्वितीय भाग होता है कौन सा होता है? दूसरा भाग। यह छोटी आंत का दूसरा डुडेनम से पृथक रहता है, जो डुडेनम से अस्पष्ट रूप से पृथक रहता है। क्या होता है? अस्पष्ट रूप से पृथक रहता है तथा यह एक नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। क्या होता है? नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो नाम जिजेनम की या जिजेनम की मिसेंट्री जिस भाग से जिजेनम की मिसेंट्री, मिसेंट्री को मैं विस्तार से समझाऊंगा। जिजेनम की मिसेंट्री जिस भाग से विकसित होना प्रारंभ होती है, विकसित होना प्रारंभ होती है उसी स्थान से जिजेनम का उद्गम होता है, उसी स्थान से जिजेनम का उद्गम होता है। मतलब मिसेंट्री किस भाग से विकसित होती है या किस पार्ट से विकसित होती है उसी स्थान पर क्या होता है? जिजेनम का उद्गम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम मिसेंट्री।
मिस एंट्री क्या होती है? छोटी आंख का वह बाबा, मिस एंट्री क्या होती है? छोटी आंख का वह बाबा जहां से जिजेनम विकसित होता है, जहां से जिजेनम विकसित होना प्रारंभ होता है, विकसित होना प्रारंभ होता है मिसेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? मिसेंट्री कहलाता है। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हो ना? जिजेनम डुडेनम व इलियम के मध्य संबंध या संबंध या जुड़ाव हो सकता है, संबंध बनाए रखने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ना इलियम, अगला कौन सा भाग है? इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला लिखना थर्ड भाग इलियम। तो इलियम क्या होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो जिजेनम पे सीकम के मध्य उपस्थित रहता है। जिजेनम और सीकम, तो जिजेनम छोटी आंत का दूसरा भाग होता है और सीकम बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है। तथा एब्डोमेन कैविटी में बाई और वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो लिखना इसमें यह छोटी आंत का अंतिम भाग, अंतिम भाग होता है जो, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो जिजेनम व सीकम के मध्य उपस्थित रहता है, जो जिजेनम व सीकम के मध्य उपस्थित रहता है। तथा एब्डोमेन कैविटी में बाई ओर, एब्डोमेन कैविटी बाई ओर वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित रहती है। वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित रहती है। नीचे नेक्स्ट का घोड़े में इलियम भाग, घोड़े में इलियम भाग डायरेक्ट सीकम से जुड़ा रहता है। सीकम से जुड़ा रहता है, घोड़े में इलियम पार्ट डायरेक्ट सीकम से जुड़ा रहता है, जबकि रुमिनेंट एनिमल में सीकम व कोलोन, जबकि रुमिनेंट एनिमल में इलियम पार्ट सीकम में कॉलम दोनों से जुड़ता है, सीकम में कॉलम दोनों से जुड़ता है, दोनों से जुड़ता है, जिसे इलियोसिकोपोडिक जंक्शन कहते हैं, जिसे इलियोसिकोपोडिक जंक्शन कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, छोटी आंख होगी तो नेक्स्ट लिखना इसी में अभी। अगला लिखना इसी में घोड़े में छोटी आंख की लंबाई लगभग 70 फीट व व्यास 3 से 4 इंच होता है। कितना होता है? 3 से 4 इंच होता है। ठीक है, अगला डॉग की छोटी आंख की लंबाई 13 फीट होती है। डॉग में छोटी आंख की लंबाई 13 फीट होती है। कितनी होती है? 13 फीट होती है। और स्वाइन में इसकी लंबाई कितनी होती है? 13 फीट ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना बढ़िया। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो लार्ज लिखना, जहर रुमिनेंट एनिमल में 30 से 40 फुट लंबी, रुमिनेंट एनिमल में 30 से 40 फीट लंबी नलिका होगी, संरचना के रूप में उपस्थित रहती है। 30 से 40 फीट लंबी नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहती है, जिसका व्यास 10 से 12 इंच होता है। कितना होता है? 10 से 12 इंच का होता है। तथा यह छोटी आंख के अंतिम भाग इलियम से प्रारंभ होकर पाचन तंत्र के अंतिम भाग रेक्टम तक उपस्थित रहती है। रेक्टम तक उपस्थित रहती है। रेक्टम तक उपस्थित रहती है तथा इसे उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है।
था, तो फर्स्ट कितना इसका शीतम, फर्स्ट भाग कौन सा लिखना है, शीतम। यह बड़ी आंख का प्रथम भाव होता है, कौन सा होता है, बड़ी आंख का प्रथम भाग होता है जो 75 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है, जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर व व्यास 12 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 5 इंच होता है, कितना होता है 5 इंच का होता है। नेक्स्ट है, शिकमी लिक्विड तरल, तरल पदार्थों की संग्रहण क्षमता सात से आठ लीटर होती है, मतलब शीतम में तरल पदार्थ कितने संग्रहित हो सकते हैं, 7 से 8 लीटर तक संग्रहित हो सकते हैं। दूसरा लिखना, शीतम एक नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है जो ईडियम कॉलोन के मध्य संबंध बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है, ईडियम मतलब छोटी आंख का प्रथम भाग, इसलिए कहा शीतम एक नलिका रूपी संरचना के रूप में उपस्थित रहता है जो ईडियम कॉलोन के मध्य संबंध बनाए रखने का कार्य करता है। लिखना कॉलोन, अब कॉलन क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत का द्वितीय भाग होता है, इसका होता है बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है जो सबसे बड़ा होता है, लिखना यह है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई 10 मीटर, जिसकी लंबाई 10 मीटर व प्रारंभिक व्यास 5 इंच, जिसकी लंबाई 10 मीटर व प्रारंभिक व्यास 5 इंच होता है, मतलब प्रारंभ में इसका व्यास 5 इंच का होता है। नेक्स्ट है ना, बड़ी आंत का कॉलोन भाग शीतम व रेक्टम को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है ना, कॉलम की
कॉलोन की संरचना में स्पाइरल फॉर्म, मतलब कुंडलिका का आकृति स्पाइरल फॉर्म उपस्थित होते हैं, जिसे एंसा स्पोलाइसिस कहते हैं। एंसा स्पोलाइसिस कहते हैं। बड़ी आपदा होने के बाद को क्या बोला जाता है? एंसा स्पोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है रेक्टम। अगला है रेक्टम। तो लिखना रेक्टम। तो रेक्टम क्या होता है? पाचक तंत्र का या बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, जो कॉलन में एनस के मध्य, जो कॉलन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स।